आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13। 13 में सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं पितृसत्ता, चैलेंजेज ऑफ कल्चरल डिवर्सिटीज, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कैस्टिज्म एंड पेट्रोएरिचरी। सांस्कृतिक विविधता अध्याय 13 में हेडिंग क्या है? सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं पितृसत्ता। अब जानेंगे कल्चरल डिवर्सिटी सिटीज, डाइवर्सिटीज, कल्चरल डाइवर्सिटीज क्या है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, इसको हमको जानना है। कल्चरल, जैसे देखते हैं कोई कल्चरल प्रोग्राम होती है, कर्मा पूजा, सरुल पूजा, कल्चरल फंक्शंस, फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स बोलते हैं हम उसको, है ना। तो देखिएगा, भारत विभिन्नताओं विविधताओं का देश है, हर कोई जानता है। भारत क्या है, इंडिया क्या है, विभिन्नताओं और विविधताओं का देश है इंडिया। यहाँ हर जाति के लोग निवास करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में सबों को जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। तो देश में धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा, जलवायु, खान पान, वेशभूषा और रहन सहन के स्तर पर ढंग में अनेक विविधताएं पाई जाती है। क्या देश में तरह तरह की विविधताएं पाई जाती है? खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा जिसको वेशभूषा बोलते हैं, जलवायु का भी, वातावरण का प्रभाव, प्रजाति, भाषा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, धर्म, हर कोई का एक अलग अलग धर्म है, किसी की रोक टोक नहीं है, कोई भी धर्म कोई भी मान सकता है, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है। भाग कहने का साफ अर्थ है, भारत इंडिया विविधताओं का देश है, हर तरह की प्रजाति, धर्म, नस्ल, रहन सहन, हर तरह के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और तरह तरह की विविधताएं पाई जाती है। मतलब समझ रहे हैं, तरह तरह की विविधताएं पाई जाती है। ये विविधताएं भारतीय समाज के मौलिक आधार तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत इन्हों समझने का अधिकार है, पावर है। भारतीय समाज में अनेकता भी उत्पन्न करती है। क्या करती है? अनेकता भी उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख आधार विभिन्न समुदाय में अपनी पृथक और श्रेष्ठ पहचान बनाने की इच्छा है। क्या है? श्रेष्ठ पहचान बनाने की इच्छा है, प्रवृत्ति है। यही इच्छा प्रवृत्ति विभिन्न समुदाय, समुदाय क्या होता है? कम्युनिटी, CUMMUNITY, कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय कहलाता है। तो समुदायों के मध्य संघर्ष, संघर्ष क्या है? स्ट्रगल, और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। देश में जब एक समुदाय, मतलब इंडिया में जब एक कम्युनिटी विशेष को समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, तब अन्य समुदाय में विरोध की भावनाएं पनपने लगती है। क्या पनपने लगती है? विरोध की भावना पनपने लगती है। इसी प्रकार आर्थिक संसाधनों, विभिन्न सेवाओं आदि का विभिन्न समुदायों में
समुचित बंटवारा न होने की स्थिति में भी अनेक विघटनकारी तत्व राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन जाती है। राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी के लिए क्या बन जाती है? खतरा बन जाती है। विभिन्न समुदाय कम्युनिटी के मध्य होने वाली सांप्रदायिक दंगे, दंगा समझते हैं, एक जाति दूसरी जाति मत मिटना चाहता है, दंगा किसे कहते हैं, हिंदू मुसलमान का लड़ाई, एक समुदाय दूसरे समुदाय पे आक्रमण करता है, दंगा भड़काता है। सांप्रदायिक दंगे कौमा क्षेत्रीयता के आधार पर, बेस पर, आधार क्या होता है इंग्लिश, बेस, बीएसई, बेस के आधार पर पृथक प्रदेश की बढ़ती हुई मांग, डिमांड और विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली झगड़े इसी प्रकार की समस्याएं हैं। क्या है? समस्याएं हैं। ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारतीय समाज की, इंडियन सोसाइटी के लिए चुनौती बन जाती है। क्या बन जाती है? चुनौती बन जाती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक विविधता, इसी प्रकार कल्चरल विविधता से उत्पन्न चुनौतियां हैं। पहला, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? जात पात करना, भेदभाव फैलाना, दंगा फैलाना, इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। क्षेत्रवाद, जातिवाद और पितृसत्ता, पितृसत्ता आदि, इनका विस्तृत विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें आगे हम और बताएंगे इसमें कि सांप्रदायिकता क्या है, किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आएगा सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, एक क्वेश्चन आएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है अथवा कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी हिंदी में समझिए, वो बच्चे लोग हिंदी मीडियम के हैं, सांस्कृतिक विविधता से क्या समझते हैं। अथवा में आएगा ऑप्शन में, सांस्कृतिक विविधता का कोई एक परिभाषा लिखे। फिर इसी में अथवा आएगा, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। फिर इसी में आएगा, देखिएगा, सांस्कृतिक विविधता की व्याख्या कीजिए, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, अंतर क्या होगा, एक होगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विविधता समृद्धता का एक चुनौती है। क्या है? एक चुनौती है। बजाज इतना ही।